बात पौड़ी जिले की करेंगे, जहां बिना सृजित पद के ही संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में कार्य कर रहे 16 शिक्षकों के मानदेय पर अब मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दी है। ये शिक्षक पिछले लंबे समय से सहायता प्राप्त संस्कृति विद्यालय और महाविद्यालयों में बिना सृजित पदों के कार्य कर रहे थे और पूर्व शासनादेश के आधार पर मानदेय ले रहे थे, लेकिन अब शासन और निदेशक संस्कृति शिक्षा ने प्रदेश के सभी मुख्य आपको बता दें कि अब शासन और निदेशक संस्कृत शिक्षा ने प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने जिले में ऐसे शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दें जो कि बिना पद सृजित के ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा ना करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के वेतन से इसकी वसूली की जानी थी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से शिक्षकों का विवरण मांगा है, जिसमें अनियमितता भी पाई गई और 17 शिक्षकों की सूची में से महज एक ही शिक्षक सृजित पद पर कार्य करता दिखाई दिया, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी ने 16 शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दी। तो पौड़ी से एक खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 16 शिक्षकों पर गाज गिरी है। दरअसल आपको बता दें कि 16 शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने ये रोक लगाई है। 17 में से एक शिक्षक कार्यकर्ता पाया गया, बिना पद सृजित के ही काम कर रहे थे ये शिक्षक, जिसके बाद इनके मानदेय पर रोक लगा दी गई और ये बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है। तो 16 शिक्षक गिरी है। मैं आए हैं आदरणीय सुंदरलाल जी के नेतृत्व में सभी संस्कृत शिक्षक आए हैं, तो 8 अक्टूबर 2022 को निदेशक संस्कृत शिक्षा एक लेटर निकला है कि केवल उन्हीं को मानदेय दिया जाए जिनके पद सृजित हैं। इसकी मैंने जांच कराई है डीओ से, तो उसमें 17 में से केवल एक ही पद सृजित उन्होंने अपनी जाँच में दिया है, तो एक ही व्यक्ति का वेतन निकल सकता है। तो इसमें इन्होंने अवगत कराया है कि कुछ त्रुटि हुई है जांच में, अन्य भी कई हैं लोग जो सृजित पद के प्रति कार्य कर रहे हैं, तो उसको मैं करा रहा हूँ। तो उसमें एक तो हमने ज्ञापन दिया है मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को, प्रबंधकीय शिक्षकों ने भी और हम नियमित शिक्षकों में ने, तो उस पर सीओ साहब से हमको ये आश्वासन मिला है कि हम इसको डायरेक्टर को भेजेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित जो जिला के इसमें अध्यक्ष हैं उनको भी उसको भेजेंगे और 26 को हमारे डीओ साहब भी आ जाएंगे, उसमें जांच अधिकारी थे, तो उनसे भी अगर कतिपय कोई प्रत्यावेदन उसमें करना चाह रहा है तो उसमें कर करके और फिर 26 के बाद वेतन का जो है वो हाँ उसको कर दो।